हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मिला रावत उत्तराखंडी में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे सांची बना रही है चाय, और चाय वो अपने और मेरे लिए बना रही है। तो सांची को चाय बनानी आ जाती है, तो और चाय के साथ वो निकाल रही है अपने लिए बिस्किट और मेरे लिए नमकीन। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिस्किट पसंद नहीं करती हूँ, तो चाय के साथ में मुझे नमकीन बहुत पसंद है। तो काफ़ी अच्छी चाय बना लेती है, लेकिन जब मैं सामने होती हूँ तभी बनाती है। मतलब जब मैं घर पर होती हूँ तो वैसे नहीं बनाती है, वैसे वो गैस के पास नहीं आती है। चाय बन गई? नहीं, कितना टाइम लगेगा? अभी थोड़े और उबालने। क्या क्या डाला सांची ने इसमें चाय में? मैंने पानी डाला, फिर मैंने डाला चाय पत्ती, फिर डाला चीनी, फिर दूध, और फिर ये निकाला मैंने। अच्छा, और अदरक डाला चाय में, फिर ये निकाला मैंने। ठीक है, अभी कितना टाइम लगेगा? अभी 5 मिनट, अभी 2 मिनट। और चाय बन गई है, देखिए। और सांची ने डाली है टोपी, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज धूप नहीं निकली है, तो आज उसने टोपी डाली। तो अब हम अंदर कमरे में चाय पी लेंगे। तो ये देखिए चाय, आप भी पी लीजिए। और चाय पीने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में। तो अभी शाम का टाइम है, और यहाँ पे मैं अंडे उबालने को रख रही हूँ। अभी सांची अंडे लेके आई हैं, तो डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो डिनर में आज बनेंगे अंडे और रोटी। तो जैसे ही मैं काम कर रही थी, डिनर की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी का फ़ोन आ गया, तो मैंने फ़ोन स्पीकर पे कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक आलू और अंडे कुकर में रख लूँगी, और साथ में मम्मी से बातें हो रही हैं। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आज धूप नहीं निकली जैसे ही मैंने बताया, तो आज बिल्कुल भी हमने धूप नहीं सेकी है, नहीं तो थोड़ी देर हम धूप सेक लेते हैं। तो छत पे जाके धूप सेकते हैं, लेकिन आज हम छत पे नहीं गए क्योंकि थोड़ी हवा भी चल रही थी। और यहाँ पे ना मैंने अंडे रखे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है ताकि अंडे फूटे ना। और बस एक दो सीटी आएंगी तो अंडे उबल जाएंगे, तो मैं गैस बंद कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ना ये फ़ोन फिसल रहा है, तो इसको मैं अटका रही हूँ। तो अंडे मैं चढ़ाती हूँ इंडक्शन में, तो फिर मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन ऐसे ही लगा लिया है। और अब मैं दूध उबालने को रख लूँगी, तो जैसे ही अंडे उबल जाएंगे ना, तो मैं दूध की पतीली चढ़ा लूँगी। फ़िलहाल मैं साइड में रख लूँगी दूध की पतीली। और थोड़े बर्तन हैं तो वो भी वॉश करने हैं, क्योंकि अभी हमने चाय वगैरह पी थी ना, तो उसके बर्तन हैं। और सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि ठंड हो रही थी, तो मेरा थोड़ा मन नहीं हो रहा था। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे प्याज लहसुन अच्छी लूँगी, हरी मिर्च काट लूँगी, प्याज लहसुन भी काट लूँगी, टमाटर काट लूँगी, मतलब मसाले की तैयारी कर दूँगी। तो तब तक अंडे उबल जाएंगे। और आज मेरा काफ़ी मन हो रहा था अंडे खाने का, क्योंकि ठंड हो रही है ना, तो इस वजह से। तो पहले मैंने सोचा था कि कुछ चिकन वगैरह मैं लेके आती हूँ, लेकिन नहीं लाई, मैंने आलस कर दिया। तो
मैंने सोचा कि आज मैं अंडे ही बना लेती हूँ, और उसके बाद मुझे जाना है सब्जी लेने, क्योंकि फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं है, सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, यहाँ तक कि आलू भी ख़त्म हो गए हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि आज सब्जी नहीं लेके आऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, सब्जी तो लानी ही पड़ेगी, क्योंकि टमाटर और हरी मिर्ची भी बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो हरी मिर्च और टमाटर तो चाहिए चाहिए ना। सब्जी तो हम सब्जी की जगह दाल भी बना लेते हैं, लेकिन हरी मिर्च और आलू, आलू तो आजकल ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हर सब्ज़ी में आलू पड़ता है आजकल, चाहे आलू मटर बना लो, चाहे आलू गोभी बना लो, तो चाहे आलू मेथी बना लो, लेकिन हम आलू मेथी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैं मेथी नहीं लाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेथी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन थे वो भी धो लेती हूँ, और साथ में ना मैं पानी भी भरती जा रही हूँ। अभी मैंने पानी की मोटर चलाई है, तो जो छत पे टंकी है वो भर रही है, और थोड़ा मैं पीने के लिए भी पानी भर लूँगी, अभी मैंने पीने का पानी नहीं भरा है। और सब्जी चढ़ा लूँगी तो मैं आटा गूंद के रख लूँगी। तो खैर अभी बहुत ज़्यादा टाइम है डिनर में, लेकिन आज समीक्षा ने लंच नहीं किया है, तो उसको भूख लग जाएगी, इस वजह से मैं जल्दी डिनर की तैयारी कर रही हूँ, नहीं तो फिर वो, उसको भूख लगती है तो कहती है कि मम्मी खाना बना दो खाना बना दो, तो फिर उसमें टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना लूँगी, आटा गूंद के रख लूँगी, और जब वो कहेगी तो तब मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है, तो और अंडे भी मैं इंडक्शन में ही बनाऊँगी, तो कढ़ाई मैंने रख ली है इंडक्शन में, और सांची अंडे नहीं खाएगी, क्योंकि उसको वो अंडे ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो जब भी मैं अंडे बनाती हूँ तो कई बार वो कहती है कि उसको ऑमलेट खाना है, और कई बार वो कहती है कि उसको अंडे बिल्कुल नहीं खाने हैं, तो उसके लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो कढ़ाई गरम हो गई है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डाल लूँगी प्याज, प्याज भुन जाएगी तो फिर हरी मिर्च और लहसुन टमाटर डालूँगी, मसाले ऐड कर दूँगी, और टमाटर पक जाएंगे तो गरम मसाले भी डालूँगी। और मुझे ना अंडे भी काफ़ी पसंद हैं, लेकिन मैं ऑमलेट और जो अंडा भुर्जी होती है ना वो मैं नहीं खाती हूँ। तो समीक्षा को भूख लग गई है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ रोटी। तो मेरा तो चावल खाने का मन हो रहा था, लेकिन रात को हम चावल नहीं बनाते हैं, और दिन में आज भी हमने चावल नहीं खाए, कल भी चावल नहीं खाए, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं ना दिन में चावल नहीं बन रहे हैं, तो इस वजह से 2-3 दिन से मेरा मन कर रहा है अब कि मैं चावल खाऊं, तो लेकिन आज तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन कल लंच में चावल ही बना लूँगी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।